ऐसे जैसे इमरान खान साहब ने कल किया 3 घंटे, ऐसे कोई 3-4 दफा और करे तो पाकिस्तान क्या करता है, उतर जाए इससे। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान में फ्लड है हर चीज, तो कल इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक टेलीथॉन की जिसमें फंड रेजिंग की एक कह लो तकरीब कर ली, अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं सब, क्या हाल चाल। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फ्लड है, तो कल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने एक फंड रेजिंग के लिए टेलीथॉन की, तो आप लोगों ने देखा कि ट्रस्ट लेवल, ये चीज़ होती है ट्रस्ट लेवल पे, कि अवाम का ट्रस्ट लेवल क्या था, ख़ास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की मतलब कह लो कि सही दर्द रखते पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान, हालांकि उनको वोट का हक भी उनसे छीन लिया जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने तो दिल जीते जैसे उन्होंने फंड रेजिंग की अपने भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए, लोग जो बेघर हो गए, जो जिसका दर्द है ना सिर्फ वही जाने। लेकिन क्या है कि इस पर भी नाकदीन तनकीद कर रहे हैं, पता नहीं क्या, अल्लाह सबको हदायत दे और एजुकेशन दे, ख़ास तौर पर इन लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है क्योंकि इनके माइंड सेट है ना जो बस उनको छोड़ें। तो ये चीज़ है ट्रस्ट लेवल के, माशाल्लाह अवाम का ट्रस्ट कितना है इमरान खान साहब पर। फर्स्ट ऑफ ऑल शौकत खानम ट्रस्ट उन पे ट्रस्ट है तो इसलिए वो भी बना ऐसे ही फंड रेजिंग के साथ। फिर जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है JDC है, अवाम का ट्रस्ट है तो वो भी सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही अवाम का ट्रस्ट था तो इमरान खान साहब को माशाल्लाह तकरीबन 3 घंटे में 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा रकम है। तो लेकिन जो कि तनकीद कर रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ना उनकी जेब में जाने ना किसी और की, ये तो खालसतन लोगों के पास ही जाना है जो कि अब बेघर हो गए हैं, इतना उनका इशू है। तो बस दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह मुश्किलात आसान करे, सबकी मुश्किलात आसान करे, क्योंकि जब किसी पे कोई दर्द आता है ना पता उसी को चलता है। तो ट्रस्ट लेवल आप कह सकते हैं इसमें ट्रस्ट है, ऐसे जैसे इमरान खान साहब ने कल किया 3 घंटे, ऐसे कोई 3-4 दफा और करे तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाए इससे, क्योंकि आवाम जितना ट्रस्ट करती है वो आप सबके सामने है। बाकी जो तनकीद करते हैं अल्लाह उनको हदायत दे और दुआ में याद रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आमीन।